वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम पास्ता बनाने रहे हैं तो घर में जो हमारे पास चीज है उसी से हम बना रहे हैं, बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाएंगे, जो भी है उसी से बनाएंगे तो भी बढ़िया सा पास्ता बनाएगा। तो क्या किस तरह से बना रहे हैं तो वो अभी हम देख लेते हैं। अब इस तरह से हमने पास्ता लिया है, देखिए इस तरह से। तो अभी हमने पानी गर्म करने के लिए रखा है, तो पानी गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम आगे के स्टेप करेंगे। अभी पानी गर्म हो गया है तो इसमें हम डालते हैं नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे और साथ में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल इसलिए डालना है कि जो हमें पास्ता करेंगे ना तो वो चिपकना नहीं है, तो इसे हम चला लेते हैं। और इस तरह से चला लिया है तो इसमें हमने जो पास्ता लिया है वो डाल देते हैं। और इसे हम 80% तक कुक होने देते हैं। अभी इसे चेक कर लेते हैं, 5 मिनट जैसा हो गया है तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। देखिए टूट रहा है, इस तरह से तो ये हो गए है। तो अभी इसे मैं छन्नी में निकाल लेती हूँ और ठंडा पानी इसमें डाल दूंगी, मीन्स ज़्यादा ये कुक नहीं हो गए। अभी इस तरह से पूरा पानी निकाल के इसे ठंडा पानी डाल दिया है तो अभी ये ज़्यादा ओवर कुक नहीं हो गए। तो अभी हम चलते हैं वापस गैस की तरफ। अभी हमने वही कढ़ाई रखी है तो इसमें डालते हैं ऑयल, ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। अभी तेल गर्म होना स्टार्ट हो गया तो हमने एक पैन लिया है, इसे हम डाल देते हैं। साथ में हमने 5-6 गार्लिक लिए हैं, इसे छोटे छोटे काट लिए हैं, वो भी डाल देते हैं और इसे हम चला लेते हैं। अभी इसमें डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च, गोभी, इसे हम चला लेते हैं। साथ में डाल रहे हैं टमाटर, एक टमाटर लिया है, इसे छोटे छोटे पीस करके काट लिया है तो इस तरह से हम डाल देते हैं। अभी इसमें डालते हैं पास्ता मसाला, 1 टेबल स्पून जितना, इसे हम चला लेते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है तो अभी इसमें हम डालते हैं टोमेटो सॉस। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। प्लस इसमें डालते हैं शेजवान सॉस, और डालते हैं सोया सॉस और थोड़ा सा नमक। हमारा नमक डालना बाकी है तो मैं नमक थोड़ा डाल देती हूँ और इसे हम चला लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है और इस तरह से हम अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। कुछ सेकंड इसे हम अच्छी तरह से भुनने देंगे ताकि जो खुशबू है ना वो बढ़िया सी आए और टेस्ट भी बढ़िया सा लगे। अभी इसे हम अच्छी तरह से चला लिया है तो इसमें हम डालते हैं पास्ता। इसे हम चलाएंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। पूरा जो मसाला ना इसे अच्छी तरह से हम कुक कर देंगे। मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अभी इसमें हम ऑरेगानो डाल देते हैं, इसे भी हम चला लेते हैं।
पास्ता हमारा रेडी है। अभी इसी स्टेप पे हम गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। अभी इसे प्लेट में सर्व करते हैं। घर के सामान से बढ़िया सा पास्ता बनाइए, रेस्टोरेंट स्टाइल। गर्मा गर्म खाने में मजा आए। इस तरह से घर के चीज़ों से बढ़िया सा रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना पसंद है तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और इस तरह से जरूर बनाइए। आप किस तरह से बना रहे हो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर बनाइए। धन्यवाद।